नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फिर से स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए कि इनरोलमेंट ईयर में क्या भरे, सर्टिफिकेट नंबर क्या भरे इत्यादि बहुत सारा डाउट था। तो ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप का जो डेट है उसे एक महीने और बढ़ा दिया गया है। तो आप आसानी से अब अपना डॉक्यूमेंट सारा बनवा लीजिए, जैसे जाति, निवास और आप प्रमाण पत्र आपका लगता है तो आप लेटेस्ट बनवा लें, एक महीने का समय है, और फिर स्कॉलरशिप भरें। तो चलिए मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक जो है pmsonlinebihar.nic.in, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर चले आ सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर आने के बाद नीचे चले आना है और देख सकते हैं यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे SC ST का रजिस्ट्रेशन, अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे आप कर लीजिए, BC EBC से बिलोंग करते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो मैं अभी SC ST स्टूडेंट क्लिक हेयर टू अप्लाई पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नया डिस्प्ले आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है, न्यू स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपको इन 5 स्टेपों में आपका एक करना होगा, उसके बाद आपका सक्सेसफुली स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो सबसे पहले है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद बैंक का डिटेल्स डालना होगा, पासबुक भी हो सके तो डालना पड़ सकता है, और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ये जो होता है एक प्रक्रिया होती है उसे करना होगा। फिर आपको सारा डॉक्यूमेंट को ब्लैक एंड वाइट में का PDF बनाना होगा, जो भी एक लिमिट साइज का होगा उसे भी आपको अपलोड करना होगा, फ़ोटो अपलोड करना होगा, फिर आपको फाइनलाइज करना होगा। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं उसे आपको डाउनलोड करके, यहाँ से ही डाउनलोड हो जाएगा, उसे कॉलेज को सबमिट करना होगा। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो तीनों यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है टिक करने का, उसे आप पढ़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, स्टूडेंट का नाम, और वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पे हो, चाहे वो आपका आधार नंबर हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, ये सब आपके आधार नंबर वाला ही होना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि सर्टिफिकेट और आधार नंबर का डेट ऑफ बर्थ अलग अलग हो, तो इसमें आपको आधार का ही डालना है। और फिर आपको आप आधार नंबर डाल दीजिएगा तो यह वेरीफाई कर देगा, और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और फिर जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ईमेल आईडी डालना है और फिर जनरेट ईमेल आईडी जो यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं उस पर आपको OTP डाल करके इसे भी वेरीफाई करना होगा। फिर आपको पासवर्ड खुद से बना लेनी है, जैसे अगर आपका नाम XYZ है उसे आप लिख दीजिए और फिर @ लगा दीजिएगा और 123 ऐसा करके आप बना लीजिएगा। तो और उसे फिर कन्फर्म भी करना पड़ेगा, और फिर आपको कैप्चा कोड डाल करके प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना होगा, ताकि कोई गलती हो तो उसे आप देख सकें, और तब आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। और एक बात और आप ध्यान रखिए, ये जो डिस्प्ले ओपन अभी हो चुका है, पेज ओपन हो चुका है, तो आप OTP लेने के लिए इसे आप हटाएं नहीं, ऊपर से ही आप OTP सारा देख ले और यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे बदलते हैं तो हो सकता है कि आपका एक कैप्चा कोड फिर बदल जाए, या फिर आप प्रीव्यू कीजिएगा तो आपका एरर दिखाए, तो इसलिए ऊपर से ही आप चेक कर लीजिए और फिर आप पीछे डाल दीजिए। उसके बाद का प्रोसेस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिर आपके ईमेल आईडी पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा, यूजर आईडी जो ऑटोमेटिकली दिया जाता है, पासवर्ड जो आपने बनाया होगा। तो इससे आपको अब कैसे लॉगिन करना है उसे देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन वाला सेक्शन है, परंतु इस यहाँ पर आने के लिए आपको ये जो यहाँ पर 3 या 4 लाइन दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और फिर आपको स्टूडेंट लिखा हुआ है कॉर्नर में दिख रहा होगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन। तो EBC वाले यहाँ पे कीजिए और SC ST वाले यहाँ पर क्लिक करके आ सकते हैं, फिर डायरेक्ट अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद सबसे पहले तो आप अपना एक फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, जो 100 KB से नीचे का होना चाहिए तो इसे अपलोड कर दीजिए। फिर आपको सबसे ऊपर आ जाना होगा अपडेट पर्सनल एंड बैंक डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
और यहाँ पे भी आपका कुछ बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, कास्ट और डेट ऑफ बर्थ, नेम एज पर आधार, रिलीजियन और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डोमिसाइल, स्टेट पूछा जाएगा, होम डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पे अपना कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस डाल देना होगा और फिर पिन कोड डाल देना होगा और परमानेंट एड्रेस में आप सेव कर सकते हैं। फिर नीचे आपका है बैंक डिटेल्स, जहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और अकाउंट जो होता है एसी नंबर, अकाउंट नंबर, उसे फिर से देना होगा और फिर अपडेट पे क्लिक कर देना होगा या सेव पे। मैं यहाँ पहले ही कर चुका हूँ, इसलिए गो टू होम पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को देखना होगा कि यहाँ पे अप्लाई फॉर, तो सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए करना पड़ेगा, ताकि आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए फ्रेश, और उसके बाद रिन्यूअल करना पड़ेगा जब आप नेक्स्ट ईयर का करिएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा। तो आपको पता ही है कि आप 3 सालों का भर सकते हैं एक बार में ही। तो जैसे आप किस सेशन में एडमिशन लिए हैं, तो मान लेते हैं आप 19 से और 22 के सेशन वाले डिप्लोमा वाले हैं, तो आप तीनों ईयर का भर सकते हैं। और अगर आप 2018 वाले हैं, तो उसके लिए आप 2018 से 21 तक आपका सेशन था, तो 2018 और 19 का ऑप्शन नहीं है, यानी कि एक ईयर का आपका नहीं भरा जाएगा। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा 2019 और 2020-21 वाले दो ही का आप अप्लाई कर सकते हैं, 2021-22 वाले में आप नहीं कीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट होंगे, जो 2020 में एडमिशन लिए होंगे, वो आप ए भी ईयर भर लीजिए और 21-22 भी भर ही लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। अब फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दीजिए कि आप किस कॉलेज जो है आपका वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, फिर उस कॉलेज का नाम लिख दीजिए, फिर आप किस ब्रांच के हैं वो लिख दीजिए। और फ्रेंड्स, आगे देख सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन, यानी कि जब आप कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा तो फिर आपको देखने को मिल जाएंगे उसका इंफॉर्मेशन, जो कॉलेज रजिस्टर किया होगा उस सबका यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। तो उसे कैसे आपको नीचे भरना है उसे मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 ईयर का फी स्ट्रक्चर, एक तरह से आप फी जो फी है कॉलेज लेता है वो 9800, यानी कि इसको आपको 3 से डिवाइड कर देना है। इसका 3 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो करीब करीब 3,065 रुपये में भी पड़ा। तो आपको ये वाला देख लीजिए, कॉलेज कंपलसरी फ़ी, तो आपको एक ईयर के लिए 3,065 ही लिखना होगा, ना कि आप 9800 लिख दें। और इधर जो आपको देख लीजिए कोर्स फी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ स्टेट 195 है, इसको भी आप 3 से डिवाइड कर दीजिए और उतना ही आपको नीचे मैं बताऊँगा और आपको भरना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर या एडमिशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको डिप्लोमा में जारी किया गया होगा उसे आप दे सकते हैं, जो ऑफिशियली SBT की तरफ से जारी किया जाता है उसे आप दे दीजिए। और इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, इसे भी आप चाहे तो SBT वाला भी दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आपके कॉलेज में जो रोल नंबर है उसे आप दे दीजिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलेज को भी वेरीफाई करना पड़ता है डॉक्यूमेंट, तो आप कॉलेज में आपका जो भी क्या कहते हैं रोल नंबर है उसे आप दे दीजिए तो भी चलेगा, और आप SBT वाला भी दे सकते हैं। फिर इनरोलमेंट ईयर, ये आपका एडमिशन ईयर पूछ रहा है, आपने किस वर्ष एडमिशन लिया है उस डिप्लोमा के कॉलेज में या फिर जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं, तो ईयर आप सिलेक्ट कर दीजिए एडमिशन वाला ईयर। और प्रजेंट ईयर, आप अभी किस ईयर में हैं उसे ही सिलेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। या फिर आप चाहे तो जिस ईयर का भर रहे हैं उस ईयर में, अगर आप मान लीजिए अभी आप सेकेंड ईयर में हो और उस जब मान लीजिए 2019-20 का भर रहे हैं, उसमें अगर आप फर्स्ट ईयर में थे तो आप फर्स्ट भी लिख सकते हैं। इस बारे में 2 मत है अन्य अन्य स्टूडेंटों का, तो चलिए आप कोई भी भर दे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे कंपलसरी फी,
जहाँ जो आपको मैंने बताया था कि 9800 था इस कॉलेज का, तो उसका 3 से डिवाइड करने पर ये भर दीजिए, फिर 195 था उसका 3 से डिवाइड करने पर वाला जो है होता है उसमें आप 65 भर दें। तो कंपलसरी भी यहाँ पे ईयरली था इसलिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ा। और यहाँ पे भी एक है कोर्स फी गवर्नमेंट ईयरली, और वहाँ पे भी था कॉलेज कंपलसरी फी। तो आप जो भी लिखा हुआ हो उसमें आप भर सकते हैं, कंपलसरी में इतना दिया था इसलिए हमने इस उसका 3 से डिवाइड करके इधर कंपलसरी में भर दिया, और ईयरली वाला फी जो यहाँ पे 195 दे रहा है तो उसको 3 से डिवाइड करके हमने यहाँ भर दिया। फिर कॉलेज में अगर हॉस्टल का सुविधा है तो यस कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए लास्ट क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्ज़ाम एज पर एग्ज़ाम नॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, तो आपको क्वालिफाइड हुए हैं अगर आप लास्ट ईयर में पास हुए हैं तो उसे आप यस कर दें। तो चलिए अब यहाँ पे आपको सेव का बटन दिख जाएगा, उसे आप सेव कर दीजिए, मुझे गो टू होम पे जाना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक फॉर्मेट बन के आ चुका है, जैसे 19-20 के लिए अप्लाई किए हैं तो वो आपका यहाँ पे ईयर एकेडमिक ईयर दिख रहा होगा। और फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी आ चुका होगा, तो उसके नीचे आपको एडिट स्कॉलरशिप डिटेल्स देखने को मिल जा रहा है, एडिट स्कॉलरशिप डिटेल्स, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसे मैंने अभी अभी आपको सेव करके बताया है, उसमें अगर आप कोई बदलाव या फिर कोई गलती हो जाती है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनलाइज करने के बाद आपको यह सुविधा नहीं मिलेगा, तो इसलिए अगर जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ना हो उसे सही सही भरें। उसके बाद दोस्तों आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा, और यही डॉक्यूमेंट को अपलोड करना ही थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि इसे आपको ब्लैक एंड वाइट स्कैन किया हुआ PDF बनाना होता है सारे डॉक्यूमेंटों का। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट या फिर अपलोड करने को कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एकेडमिक ईयर आपको सेलेक्ट कर देना होगा कि आप किस ईयर के लिए अप्लाई करने कर रहे हैं, तो 19-20 सेलेक्ट किया हुआ है, और फिर आपको उसी ईयर के बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स में 10th का सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो 10th का सर्टिफिकेट का जो फाइल आपको आपने बनाया है उसे आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपलोड करना होगा, और वो फाइल भी 400 KB से कम का होना चाहिए। आप देख लीजिए लेस देन 400 KB और ब्लैक एंड वाइट भी होना चाहिए। तो उस अनुसार आप मोबाइल से PDF बना सकते हैं, एडोब स्कैनर ऐप आता है उससे आप PDF बना लें, और साइज उसका अधिकतम ज़्यादा चांस है कि 400 KB से कम का ही बन जाएगा, तो भी एक अच्छी बात है। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और फिर कब वह रिजल्ट आया है उसका डेट डाल देना है। तो सर्टिफिकेट 10th का कैसा होता है नंबर उसे मैं दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर भी एक कमेंट आया था कि सर्टिफिकेट नंबर में क्या भरे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट 10th का ये रहा अंक मार्कशीट, तो सीरियल जो नंबर आपको देखने को मिल जा रहे हैं उसी को आप भर दीजिए सर्टिफिकेट नंबर में, सीरियल नंबर को ही। और डेट इशू होना आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 29 मई 2016 लिखा हुआ है, तो आप उसे भर दीजिए फ्रेंड्स। फिर आती है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भरने के लिए, और यह रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इसे नहीं भी भर सकते हैं। अगर ऐसे आप चाहें डिप्लोमा का कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करने को तो आप कोई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी हो, अगर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट हो, एडमिट कार्ड हो, वो भी आप भर सकते हैं। और उसका सर्टिफिकेट नंबर, चूँकि एडमिट कार्ड होगा तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया गया होता है, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, उसका आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। और अगर मुझसे पूछा जाए तो डिप्लोमा का आप आइडेंटिटी कार्ड भी यहाँ पे भर सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो, लेकिन इस बात को मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि आगे अगर आप 2020 में एडमिशन लिए होंगे तो हो सकता है कि अभी तक आप चूँकि प्रमोट तो हो गए हैं और रिजल्ट आपका नहीं आया है, तो ऐसे में आप लोगों को करना होगा क्या, पासिंग सर्टिफिकेट मांगता है डिप्लोमा का, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, उसमें आपको सर्टिफिकेट चूँकि है ही नहीं तो आप डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट क्या दीजिएगा। तो मेरा सलाह रहेगा कि आप इस बार आप नहीं ही भरे, इस बार आप नहीं भरे स्कॉलरशिप, आप नेक्स्ट ईयर जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाएगा उस ईयर भर दीजिएगा, क्योंकि उस वक्त भी आप 3 ईयर का भर ही सकते हैं, और उस वक्त आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, मार्कशीट भी आ जाएगा।
फ्रेंड्स, उसके बाद आपको देखना होगा यहाँ पे आपको तीन डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही लगेंगे, डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट। इस तीनों को आपको अपलोड कर देना होगा। आप लेटेस्ट ही अपलोड करें तो भी अच्छी बात है, अगर आप पुराना है तो भी आप अपलोड कर दीजिए। बस यहाँ पे सर्टिफिकेट में आप अप्लीकेशन आईडी जो होता है उसे आप भर दीजिएगा तीनों का, और फिर वो कब कब इशूड हुआ है उसे भर दीजिए। इसे भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र संख्या उसमें ही सर्टिफिकेट नंबर में आप जाति निवास जो भी हो उसमें भर दीजिएगा, और डेट जो इशूड है उसे आपको उसमें वाले डेट वाले सेक्शन में भर देना है। तो आपका हो गया सारा डिटेल्स। फ्रेंड्स, फिर आपको भरने को कहा जा रहा है यहाँ पे इनकम, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट में बना है बस उसे आप डाल दीजिए, और फिर आप देख सकते हैं नीचे बोनाफाइड फी रिसिप्ट और लास्ट पासिंग ईयर मार्कशीट, तो इसे आपको अच्छे से भर देना है। तो इसमें आप देख सकते हैं बोनाफाइड कैसा होता है, इसे आपको कॉलेज में जाकर के बनवाना पड़ता है, एक एप्लीकेशन कॉलेज वाले लेंगे और आपको बना देंगे, और फी रिसिप्ट के जगह पे आप चाहे तो कॉलेज जो चार्ट पेपर में आपका एडमिशन करते वक्त फी रिसिप्ट देता है उसे भर दीजिए, या फिर आप कॉलेज को कहिए कि जो 9800 ऊपर आपने देखा इस कॉलेज का फी था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर का, तो इसी प्रकार उस कॉलेज में आप जिस भी कॉलेज में हैं उसको कहिए कि फी स्ट्रक्चर बनाए, तो फी स्ट्रक्चर डिप्लोमा वाले ही कॉलेज बना देंगे, लेकिन 10th 12th वालों को तो फी स्ट्रक्चर बना के नहीं देंगे कॉलेज। तो 10th और 12th वाले फी रिसिप्ट जो होता है उसे ही आपको भर देना है। पहले मैं डिप्लोमा के लिए दिखा देता हूँ कि फी बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर कैसा होता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जीपी शिवहर का बोनाफाइड है, जिसमें यहाँ पे आपको देख सकते हैं टू होम में कंसर्न, यहाँ पे नाम और ब्रांच और एड्रेस किस ब्रांच के हैं वो दिया हुआ रहता है, और अधिकतर कॉलेजों में देखा जाता है कि जिसमें आपका बोनाफाइड हो उसी में आपका फी स्ट्रक्चर भी दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बोनाफाइड यहाँ तक ही मान लीजिए बोनाफाइड यानी कि आप उस कॉलेज के हैं कि ना वो यहाँ पे दे दिया गया है, और उसके नीचे ही यहाँ पे फी स्ट्रक्चर भी दे दिया गया है। तो जब आपको एक ही डॉक्यूमेंट में फी स्ट्रक्चर भी दे दिया गया है तीनों ईयर का, पहले आप ये देख लीजिए फर्स्ट ईयर का 4065 रुपये दिखा रहा है, और सेकेंड ईयर में आपको 3065 रुपये, और थर्ड ईयर में भी 3065 दिखा रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल साइन कर देते हैं, अपना मोहर मार देते हैं, तो बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर दोनों एक में ही हो गया है। तो डिप्लोमा वाले फी रिसिप्ट में फी रिसिप्ट अगर नहीं डालना चाहे तो आप दोनों में यही डाल दीजिए, एक बोनाफाइड भी और फी स्ट्रक्चर भी, तो इसमें आपको बोनाफाइड डाल देना है, और सर्टिफिकेट नंबर में आप रेफरल नंबर जो दिया गया था उसे ही डाल दीजिए, और कब बना है प्रिंसिपल कब साइन किए हैं उसे आप यहाँ पे डेट में भर दीजिएगा। और फी रिसिप्ट में भी डिप्लोमा वाले चाहे तो अगर एक ही में ही फी स्ट्रक्चर चूँकि एक ही बोनाफाइड वाले में ही था तो उसे भी हम यहीं पे डाल देंगे उसी डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पे डेट और सर्टिफिकेट नंबर भर देंगे। लेकिन आप चाहे कि अगर हम फी रिसिप्ट भरें तो वो भी आप भर सकते हैं, उसे भी मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक में अब जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ये चार्ट दिया जाता है, या फिर आप 10th में भर रहे हो स्कॉलरशिप या 12th का, तो उसमें आपको फी स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया जा सकता है मे भी, तो आप ये फिर चार्ट जो होता है जो कॉलेज आपको प्रोवाइड करती है या फिर स्कूल प्रोवाइड करती है उसे आपको भर देना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देख सकते हैं 2998 और डेट भी दिया हुआ रहता है, तो उसे आप भर दीजिए, और आपको ये नहीं कि जितना चार्ट मिला है उसे भर दीजिए, जैसे मैंने तीनों का पीडीएफ बनाया है, आपको केवल एक ही का जो आप लेटेस्ट है उसे भर दीजिए, या केवल वेरीफाई करने के लिए है। ऐसा आप लोग सोच सकते हैं कि इसमें 1000 रुपये ही दिया गया है तो 1000 ही का मेरा प्रूफ हुआ, तो ऐसा बात नहीं है, वो आपका कॉलेज के द्वारा जो 9800 भरा हुआ था वो तो भरा जा चुका है, इसे एक प्रूफ के तौर पे केवल देना है, और इसको केवल कॉलेज वेरीफाई करेगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, भर दीजिएगा जो भी फी स्ट्रक्चर या फिर फी रिसिप्ट। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट न्यू एडमिशन लिए हैं उनको लास्ट पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, इसमें उनका चूँकि सर्टिफिकेट डिप्लोमा का तो अभी आया ही नहीं है रिजल्ट, तो वो कैसे भरेंगे? तो अगर आपका सर्टिफिकेट में भी प्रमोट का आ जाता है तो अच्छा है कि आप उसमें जो भी डेट और रोल नंबर हो उसे आप यहाँ पे भर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी सर्टिफिकेट नंबर में ओरिजिनल सर्टिफिकेट जब तक आपका नहीं मिलेगा उसमें सर्टिफिकेट नंबर दिया गया रहता है, तो उस सर्टिफिकेट को भरना होगा। ऐसे आप चाहे तो रोल नंबर को ही भर सकते हैं सर्टिफिकेट में जब तक, क्योंकि आप लोगों का ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही नहीं, और फिर डेट भर देना है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो चूँकि डेट भर चुका है स्कॉलरशिप का, तो उनका अगर रिजल्ट आ जाता है तो उस रिजल्ट को आप वेट कर लीजिएगा रिजल्ट आने का, और फिर आप भर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ जैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट का मार्कशीट में सर्टिफिकेट नंबर और जो रिजल्ट ऑनलाइन हम लोग डाउनलोड करते हैं उसमें का सर्टिफिकेट क्या भरना है।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद कॉलेज वाले आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे नंबर दिया है उसे भरना है। लेकिन चूंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का कॉलेज नहीं अभी तक दिए होंगे तो वो लोग जो रिजल्ट आप लोग डाउनलोड किए हैं उसे ही भर दीजिए। उसे भी मैं बता देना चाहता हूँ, वो लोग चाहे तो क्या सर्टिफिकेट नंबर में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही भर दीजिए। और डेट तो ऊपर दिया ही हुआ है, ये डेट आपको भर देना है। मैं डाउनलोड किया हुआ सर्टिफिकेट भी आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये डाउनलोड किया हुआ सर्टिफिकेट है जो कि SBT ऑनलाइन से डाउनलोड किया जाता है रिजल्ट आने पर। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर ही सर्टिफिकेट वाले कॉलम में भर दीजिए। और डेट दिया ही हुआ रहता है, जैसे फरवरी 2021 एग्जाम हुआ है, डेट इशूड का आपको शायद नीचे देखने को मिल जाएंगे, तो 29/6/2021। फिर आपको कोर्स कंपलसरी में जो 900 का 3 से डिवाइड किया था उसका आप मतलब आप भर दीजिए जो भी आपका आता है। और फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं जैसे आधार कार्ड, तो उसे भी आप अपलोड कर दीजिए। और सारा डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। और फिर आपको सेव कर देना है। चलिए मैं आपको टू होम पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको देखना होगा अप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट, इसे भी आपको क्लिक करके आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको पहले फाइनलाइज अप्लीकेशन कर देना होगा। फाइनलाइज अप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है और फिर कुछ सारा आपसे फिर से सारा सही आपने भरा है कि नहीं उसके बारे में पूछेगा। जैसे ये सारा डॉक्यूमेंट आपको पूछ रहा है तो आप कर दे फाइनलाइज आप कर पाइएगा। और प्रिंट कैसे अप्लीकेशन को करना है उसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। और आप देख सकते हैं ये आपका अप्लीकेशन का स्टेटस आपको यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे स्टेटस पहले देख लीजिए और फिर आपको इस वाले जो स्टेटस है उसका भी प्रिंट करना होगा। तो इसलिए इस वाले पेज का प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट पे क्लिक करना होगा। तो आपका ये वाला जो फर्स्ट पेज है इसे आपको आप प्रिंट कर पाइएगा, डाउनलोड कर पाइएगा, PDF निकलवा लीजिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलवाना होता है। और फिर जो भी आपने डॉक्यूमेंट भरा है पीछे वाले सेक्शन में, तो उसका आप चाहे तो प्रिंट करवा के उन सारे डॉक्यूमेंटों का और आप करवा लीजिए, जीरोक्स करवा लीजिए तो ही अच्छा है। और आपको कॉलेज को तो देना ही देना है, इस वाले को भी देना है ऊपर करके, और वो सारा डॉक्यूमेंट भी आपको देना है। और सब पे साइन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड यानी कि स्वयं प्रमाणित क्लिक करके साइन सारे डॉक्यूमेंटों पर नीचे कर देना होगा और कॉलेज को दे देना होता है। और फ्रेंड्स अगर आप उन सारे डॉक्यूमेंटों को एक जगह जो जो आपने अपलोड किया है उसे आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा देख लीजिए अपलोड किया हुआ 10th सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे भरा जा चुका है, मतलब शो कर रहा है। और यहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट करिएगा तो सारा डॉक्यूमेंट आपका डाउनलोड हो जाएगा। या फिर आप वैसे भी जीरोक्स करवा सकते हैं, या फिर डाउनलोड कर लीजिए, एक PDF में 10 डॉक्यूमेंट के करीब आ जाएगा वही सारा कुछ। और आप उसका भी ब्लैक एंड व्हाइट जीरोक्स करवा लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए और कॉलेज को साइन करके दे दीजिए। तो हो फ्रेंड्स आपको मैंने बता दिया हूँ कि फर्स्ट ईयर का एडमिशन फर्स्ट बार आप कैसे कर पाइएगा। और रिन्यूअल करने के लिए वो भी आसान है उस, और रिन्यूअल कैसे करना है वो भी आसान है, उसे भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रिन्यूअल करने के लिए भी फ्रेंड्स आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे ही क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर से आपको सारा डिटेल्स भरना पड़ जाएगा, केवल ईयर आपका बदल जाएगा। जैसे इस बार आप रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो 2019-20 भरे थे, अब इस 20-21 भरिए और इस बार आपको रिन्यूअल को सिलेक्ट कर देना होगा। तो चलिए आप कर पाइएगा। और फिर से आप जिस ईयर में हैं उसका सारा डॉक्यूमेंट भरना होगा, वही प्रोसेस है। फिर उसका भी जो PDF आता है, वो स्टेटस आता है, वो सारा प्रिंट करके दोनों ईयर का, दो साल का भर रहे हैं तो दोनों ईयर का सारा डॉक्यूमेंट और सारा फर्स्ट स्टेटस होता है वो सारा प्रिंट करके आपको कॉलेज को देना होगा। और जब तक आप कॉलेज को प्रोवाइड नहीं कीजिएगा उसे साइन करके, तब तक कॉलेज से वेरीफाई नहीं होगा और आप प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मैंने सारा डिटेल्स बता पाया हूँ, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।